अब देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जेजेपी की छात्र विंग इनसो अब चंडीगढ़ के बाद दिल्ली में भी अपने पैर पसार रही है। हमारे साथ जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला जी हैं। चौटाला जी, पहले चंडीगढ़, उसके बाद राजस्थान और अब दिल्ली, किस तरीके से तैयारियां हैं आपकी? बहुत अच्छी तैयारियां हैं। दिल्ली हमारे लिए मजबूत जमीन रही है, कई दफ़े हम यहाँ से कॉलेजों में बड़ी मजबूती से चुनाव जीते हैं। यूनिवर्सिटी की थोड़ी बहुत वो कहते हैं कि मन में अभी भी है, वो इस बार हम पूरी कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पीछे जितना भी इतिहास रहा उसमें सबसे ज़्यादा मत इस बार इनसो को मिलेंगे। क्योंकि बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली हरियाणा के नज़दीक भी है और ज़्यादातर हरियाणा के स्टूडेंट दिल्ली में रहते हैं। 30-40% हरियाणा का स्टूडेंट है और यही तय करता है, चुनाव लड़ता भी यही है, लड़वाता भी यही है, जिताता भी यही है। वेस्टर्न यूपी का भी बहुत असर है, वैसे तो समूचा राष्ट्र का हर प्रांत का स्टूडेंट यहाँ पर है, मगर ज़्यादा स्टूडेंट हरियाणा का है और हरियाणा वाले हमारे अपने हैं और वो निश्चित तौर पर इनसो का साथ देंगे। इससे पहले राजस्थान का दौरा किया था, किस तरीके के वहाँ पर आपको हिरासत में भी लिया गया था? राजस्थान में सरकार चली गई, हम तो कह रहे थे कि चुनाव करवाएं, गहलोत साहब पीछे हट गए, वो अपनी पिक्चर से पहले ट्रेलर से डर गए, लोग उन्हें आने वाले विधानसभा के चुनाव में दिसंबर में साफ करने जा रहे हैं, कांग्रेस साफ होने जा रही है, युवा उसका ट्रेलर इन स्टूडेंट इलेक्शन में दिखाना चाहते थे, इससे डर गए। हम प्रदर्शन करने गए तो हमें हिरासत में ले लिया गया। हम गवर्नर से मिलकर के आए हैं और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि वो प्रयास करेंगे। दिल्ली में चुनाव होंगे तो आप भाग लेंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर की बात करें तो हरियाणा में चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसके लिए क्योंकि आप सरकार में हैं, गठबंधन में हैं, क्या आपकी तरफ किससे कोशिश चल रही है? इनसो के स्थापना दिवस पर खूब इसकी आवाज़ उठाई है, दुष्यंत जी ने हमारे को विश्वास दिलाया, और अगर नहीं हुए तो फिर स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे, दोबारा से आंदोलनरत होंगे, प्रयासरत होंगे। चुनाव तो सरकार को कराने पड़ेंगे, जो कमिटमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा। सर, अब रैलियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा की माने तो तैयारियां शुरू हो गई हैं, आपकी तरफ से भी रैलियां की जा रही हैं, कांग्रेस भी रैलियां कर रही है। रैलियों का तो आज पूरे देश में चर्चा है, जुलाना की रैली की चर्चा है, इनसो की स्थापना दिवस की रैली की चर्चा है, और कल हुई फरीदाबाद की रैली की चर्चा है। जिन शेड में बड़ी पार्टियों की रैलियां, जो कुर्सियां खाली रह गई, हमारी पार्टी वो की रैलियों में मंडियां पूरी पूरी जो है ना खचाखच भर गई। सिरों की गिनती से रैलियां कामयाब होती हैं और सिरों की गिनती में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता का कोई सवाल, कोई सानी नहीं। लेकिन कांग्रेस की रैलियों किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस की रैलियां तो राक्षस कहना, गंदी गंदी गालियां निकालना, एक दूसरे पर लांछन लगाना और सिर फुटबॉल किस तरह से एक दूसरे को पीटना, मारना, स्टेज से गिराना, ये क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो दो धड़ों में जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं, रणदीप सुरजेवाला अलग रैली कर रहे हैं। बटे रहेंगे तब तक जेजेपी की बल्ले बल्ले है, और हमें तो खुशी है कि ये बटे रहें, ये ऐसे ही लड़ते रहें, इनका सिर्फ फुटबॉल यूं ही चलता रहे। और जनता को जो राक्षस कह सकता है, जनता क्या उसको माफ कर सकती है? लेकिन सर, अगर बात करें, क्योंकि जब किसी पार्टी का महासचिव होता है पूरी रणनीति तैयार करते हैं, क्या 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे इसमें क्या जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, या किस तरीके से आगे जेजेपी का कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ेगी? तय होगा आने वाले चुनाव में, तय होगा, अभी बहुत जल्दी है कहना। और अब कार्यकर्ताओं की भी मांग उठ पड़ी है कि जो दिग्विजय, जो दुष्यंत चौटाला है, वो मुख्यमंत्री हरियाणा के, जनता की आवाज को पहचान कर ही कोई बात कहता है। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो मैं जनता की भावना को देख करके कहता हूं, जनता की भावना है कि दुष्यंत चौटाला आने वाले हरियाणा में नेतृत्व करें। संभव कैसे है सर? मतलब क्यों नहीं संभव, इम्पॉसिबल कैसे? क्योंकि बीजेपी के साथ आप गठबंधन में, कभी हमारे साथ भी तो स्मॉलर पार्टनर के तौर पर थी, आज हम स्मॉलर पार्टनर के तौर पर हैं, नई पार्टी खड़ी हुई है, जनता तय करेगी कि 2024 में या कब दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का नेतृत्व सुपुर्द करना है, ये तो जनता ने वोट और एमएलए बना करके करना है। तो बिल्कुल, ये थे जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।